हाँ देखो, अभी लास्ट लेक्चर में क्या देखा था हमने कि कोरोडो के बारे में देखा था ना, सिर्फ स्टार्ट कैसे करते, बंद कैसे करते। अभी क्या करते हैं, कोरोडो में आगे का स्टार्टिंग प्रैक्टिस देखते हैं। किधर जाओगे कोरोडो स्टार्ट करने के लिए? पहला वे किधर जाओगे? स्टार्ट, समझे ना? किधर क्लिक करने का है? स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक करने का है। स्टार्ट के बाद किधर जाओगे? इस रन, क्या रन में क्या लिखने का है? क्या लिखा है? कोरल DRW, समझ रहे हैं? कोरल DRW, AW नहीं लिखने का। बाद में इसके ऊपर क्लिक करो। हाँ देखो, आ गई सामने विंडो, कोरोडो की विंडो आ गई। इसमें किधर जाना बोला था? किसके ऊपर क्लिक करोगे? फाइल में जाने का है। और फाइल में आके क्या लेने का है? न्यू, समझे ना? फाइल में आके क्या लेने का है? न्यू मतलब एक नया पेज आएगा। देखो आ गया नया पेज। अभी नया पेज आने के बाद लास्ट लेक्चर क्या बताया था? ये सब के बारे में बताया था ना। तो लास्ट लीजिए, पहले क्या बताया था? इधर से गाइडलाइन लेने के लिए, किसी लोग गाइडलाइन इधर से ड्रैग करने का है। आ गया, गाइडलाइन को सेंटर में लाने के लिए कौन सा बटन दबाने का है? पी बटन। कीबोर्ड के ऊपर कौन सा बटन दबाओगे? पी बटन। बाद में लेफ्ट साइड से भी खींचने का इधर से, और उसको भी सेंटर में लाने के लिए कौन सा बटन दबाओगे? पी। देखो गाइडलाइन तो आ गई सेंटर में, लेकिन अभी जीरो इधर आ गए सेंटर में, तो उसके लिए लाने के लिए क्या करोगे? इधर से क्लिक करने का है, ये दिख रहा ना? इधर इधर क्लिक करके ड्रैग करो। देखो आ गए इधर, समझेगा इतना? अब इसके बाद इधर से प्रैक्टिस करते। ये कौन सा है? टूल बॉक्स बोला था लास्ट लेक्चर, क्या लिखा है? टूल बॉक्स। अभी टूल बॉक्स में सबसे पहले किधर जाते हैं? रेक्टेंगल, दिख रहा रेक्टेंगल? लेकिन इधर नीचे क्या लिखा है? एरो दिया ना, तो एरो का मतलब क्या है? किसके अंदर और भी दूसरा कुछ रेक्टेंगल है। देखो इसके ऊपर क्लिक करते, पहला थोड़ा क्लिक करके रखो तो दूसरा भी ऑप्शन ऑन हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा, पहला ऑप्शन क्या लिखा है? रेक्टेंगल, और दूसरा क्या लिखा है? थ्री पॉइंट रेक्टेंगल। शॉर्टकट किस गया उसका? F6। तो पहले रेक्टेंगल के ऊपर क्लिक कर दिया, आ गया इधर से ड्रॉ कर दिया, सपोज आ गया एक ऑब्जेक्ट, समझ रहे इतना? अभी उसका प्रॉपर्टी देखो, आ गया अलग प्रॉपर्टी। मैं इसके ऊपर बाहर क्लिक करता हूँ तो उसका प्रॉपर्टी देखो, अलग प्रॉपर्टी है। देखो इधर क्लिक कर दिया है ना, पिक टूल, तो अलग प्रॉपर्टी आ गया। लेकिन जैसे इस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, उसका प्रॉपर्टी अलग अलग आ गया। देखो आ गया अलग प्रॉपर्टी, सिंगल क्लिक करने का एक बार, और एक बार क्लिक करोगे तो क्या होता है? देखो और प्रॉपर्टी चेंज होता है। देखो इधर एरो चेंज हो गए, समझेगा? तो पहले मैंने सिंगल क्लिक कर दिया, अभी इसके बारे में देखने का है। ये क्या लिखा है? साइज, बोलो ना ये क्या आएगा? विड्थ आएगा, और ये वाला हाइट आएगा। और वही ऑप्शन किधर दिया है? परसेंटेज के अंदर। स्केल मतलब क्या आएगा? परसेंटेज, समझेगा ना? ये पढ़ो क्या लिखा है इधर। ये लॉक का मतलब क्या है? जब लॉक बंद रहेगा तो विड्थ और हाइट दोनों एक साथ चेंज हो जाएगी, और अगर एक एक आपको चेंज करने का है, सिर्फ विड्थ चेंज करने का है, तो क्या करोगे? लॉक को ओपन करना पड़ेगा। अभी देखते हैं पहला इधर, अभी विड्थ कितना है? 4.2 है ना, और हाइट कितना है? 4.6। अभी देखो लॉक बंद है ना, मैंने एक जगह से चेंज कर दिया। कितना लिया इधर? इधर सपोज 200% लेते, कितना? 200, मतलब डबल हो जाएगा। तो इधर 200 आएगा तो इधर भी 200% आ जाएगा, समझे ना? इधर 4 की जगह क्या आएगा? 8.4 आएगा ऐसा, और इधर भी 8 पॉइंट आएगा। और बाद में क्या करोगे? इंटर करते। अभी देखो इधर क्या, लॉक बंद है ना, तो क्या होगा? सबके ऊपर एक साथ अप्लाई हो जाएगा, मतलब विड्थ और हाइट। अभी इंटर बटन दबा दे, देखो जरा आ गया, ये भी आ गया, डबल हो गया, ये भी डबल हो गया, समझ रहे इतना? इधर लॉक बंद था इसलिए क्या हो गया? सब एक साथ हो गए। अभी कंट्रोल जेड करके वापस आते, कंट्रोल जेड आ गया। अभी मैं लॉक को क्या करता हूँ? ब्रेक करता हूँ। तो लॉक को ब्रेक कैसे करेंगे? इसके ऊपर एक बार क्लिक करो, देखो हो गया लॉक ओपन, समझ रहे? अभी इधर से क्या लेते? इधर से 200 लेते,
तो एक ही जगह से चेंज हो जाएगा और इंटर बटन दबा दे, समझ रहे लॉक का मतलब। वापस कंट्रोल जेड करके क्या आ गए, पीछे आ गए, समझ गए तो स्केलिंग से कम ज़्यादा करने का मतलब क्या है। अभी देखो हमारा सेंटर किधर है, इस इधर है ना सेंटर, समझ रहे। तो मुझे इस ऑब्जेक्ट को एग्जैक्ट इधर लेके आने गए, तो इसका पोजीशन क्या होना चाहिए, 0 0, एक्स और वाई एक्सिस क्या होना चाहिए उसका, 0 0 होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करोगे, इसको सिलेक्ट कर दे, इसको अगर सेंटर में लाने का तो क्या करोगे, एक्स एक्सिस भी 0 आएगा और वाई एक्सिस भी 0। लेकिन अभी तक वो ऑब्जेक्ट आएगा क्या नीचे, नहीं आया। कौन सा बटन दबाओगे नीचे आने के लिए, कौन सा बटन दबाने का है, इंटर, मतलब कुछ भी थिंग्स अप्लाई करने के लिए एक बार इंटर बटन दबा दे। देखो आ गए सेंटर में, समझ रहा है इतना। अभी मुझे यही ऑब्जेक्ट सब इधर चाहिए, देना 4, सपोज 4 बाय 5 के बजाय इधर ऑब्जेक्ट चाहिए वाला, बड़ा एग्जैक्ट इधर ऑब्जेक्ट चाहिए। तो क्या लिखोगे आप, उसका एक्स पोजीशन कितना देने का है 4, और वाई पोजीशन कितना देने का है 5, बड़ा ना 4 और 5। तो एक्स पोजीशन आएगा 4 और वाई पोजीशन आएगा 5, दोनों प्लस है तो किधर आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, बड़ा ना इधर आएगा। और इंटर बटन दबा दे, देखो आ गए इधर, लेकिन सेम जगह मुझे इधर चाहिए लेफ्ट साइड में। तो आप क्या करोगे, समझे ना, मुझे सेम इसका पोजीशन इधर चाहिए। तो हम क्या कर दे, इसको ये और एक बार कॉपी पेस्ट करेंगे, किधर से कॉपी होगा इसका, लिखा इधर कॉपी, कॉपी करने के बाद क्या कर दे, पेस्ट, देखो हो गया। अभी देखो इधर थोड़ा बाजू में निकाल के देखते, पेस्ट तो हो गया, लेकिन किधर पेस्ट हो गया, इसके ऊपर ही पेस्ट हुआ था ना, अभी कंट्रोल जेड करके वापस कर दिया, मतलब इधर ऑब्जेक्ट है हमारा, तो वही कॉपी हमें किधर चाहिए, ये साइड चाहिए। तो आप क्या करोगे, एक्स का माइनस साइन हटाने का है, अभी देखो इधर माइनस साइन है क्या, नहीं है ना, तो यही कॉपी सेम इधर चाहिए लेफ्ट साइड में, तो उसको माइनस साइन अप्लाई करने का। देखो दे दिया माइनस साइन, और कौन सा बटन दबाओगे, इंटर, आया समझ में, जगह कैसे चेंज करने का आया समझ में इतना तक। अब ये स्केलिंग देख दे, विड्थ और हाइट, समझे ना, उसका विड्थ कितना चाहिए, हाइट कितना चाहिए, अब डिसाइड करो इधर से, 4 है ना, कितना लिया, 3 लिया विड्थ, हाइट कितना लिया, 5 लिया सपोज। अब बाद में कौन सा बटन दबाओगे, इंटर, हो रहा चेंजेस। ये क्या लिखा है, एंगल में रोटेट करने का है, तो समझे ना, एंगल दिया, सिलेक्ट कर दिया, कितना डिग्री दे दिया, 20 डिग्री, और इंटर कर दो, हो रहा है। वापस नॉर्मल में लकड़ी का तो क्या करोगे, 0 देने का है, और इंटर कर दो, आया समझ में। अभी ये वाला देखो, ये है ना लेफ्ट रेक्टेंगल कॉर्नर राउंडनेस। अभी इसका मतलब क्या, इधर से अगर हमें सपोज थोड़ा राउंड चाहिए, लेकिन मुझे किधर से राउंड चाहिए, सिर्फ एक ही कॉर्नर से राउंड चाहिए। तो आप क्या करोगे, इधर राउंड देते, बरोबर है ना, कितना डिग्री दिया, 30 एंगल दिया सपोज, कितना एंगल दिया, 30, समझेगा। लेकिन 30 डिग्री दिया क्या होगा, अब ये देखो क्या लिखा इधर, राउंड कॉर्नर टुगेदर, मतलब ये लॉक बंद है ना, तो जब लॉक बंद रहेगा तो क्या होता है, चारों साइड से अप्लाई होता है। तो देखो मैं अप्लाई करता हूँ, इंटर बटन दबाने का, देखो हो रहा है चारों साइड से, कंट्रोल जेड करके क्या करोगे, पीछे आ जाए थोड़े, अगर एक ही साइड से करने का तो क्या करोगे, लॉक को बंद ओपन करो, इधर से क्लिक करो इसके ऊपर, देखो हो गया लॉक ओपन। अभी लिखते हैं इधर, और बाद में इंटर बटन दबाने का है, ऐसा मुझे कैसे करने का राउंड। इसके बाद ये वाला प्रॉपर्टी पढ़ो जरा, क्या लिखा है, आउटलाइन ना, आउटलाइन मतलब ये बाहर का बॉर्डर कितना चाहिए, इसके ऊपर क्लिक कर दे, जितना भी बॉर्डर चाहिए उतना बॉर्डर ले दे, आ गया। अभी इसके अंदर कलर फिल करने का, तो कौन सा ऑब्जेक्ट लोगे, ये दिख रहा अलग अलग कलर, जो भी कलर चाहिए इसके ऊपर क्लिक करो, लेफ्ट क्लिक करने का, देखो लेफ्ट क्लिक करोगे तो अंदर कलर फिल होता है, लेकिन हमें आउटलाइन का कलर चाहिए। तो आउटलाइन का कलर चेंज करने के लिए कौन सा बटन दबाओगे, माउस का राइट क्लिक करने का है, जो भी कलर चाहिए उसके ऊपर
राइट क्लिक, समझेगा इतना, समझेगा अंदर कलर फिल करने का है तो माउस से क्लिक कर दिया, और आउटलाइन का कलर चेंज करने का तो राइट क्लिक, आया समझ में इतना। अब इसको डिलीट बटन दबा दे, किधर से लिया था बोलो एक बार, ये दिख रहा है रेक्टेंगल है ना, इधर से ड्रॉ किया था और उसका अलग अलग प्रॉपर्टी चेक किया था इधर से, वही दूसरा ऑप्शन कौन सा है, इसके ऊपर एक बार क्लिक करके रखो, क्या आ रहा है इधर, थ्री पॉइंट रेक्टेंगल, कौन सा ऑप्शन आ रहा है, थ्री पॉइंट रेक्टेंगल, इसका मतलब क्या, देखो क्लिक कर दे इधर, आप कोई भी दो पॉइंट ड्रॉ करो और तीसरा पॉइंट बाद में क्लिक करो तो वैसे रेक्टेंगल बन जाएगा, समझेगा ना, जैसे शेप में चाहिए वैसे रेक्टेंगल बन जाएगा बाद में, आएगा समझ में, देखोगे इतना ड्रॉ करके सबको क्या कर दिया, कंट्रोल ए करके डिलीट कर दिया, समझ रहे इतना। ये भी अगर लाइन नहीं जाए आउटलाइन, सॉरी ये गाइडलाइन नहीं जाए तो डिलीट बटन दबा दो, इसको भी नहीं जाए तो क्या करोगे, डिलीट करो, समझेगा इतना, करोगे इतना प्रैक्टिस, ये कौन सा प्रैक्टिस करने का है, इसका ही ऑब्जेक्ट देखने का, कौन सा रेक्टेंगल लिखने का है और उसका अलग अलग प्रॉपर्टीज, करोगे, करो इतना।